Hope dear students that you are fine. Welcome to my channel online chemistry classes. So on your demand, I have prepared chemistry guess for class 11. So before showing you the complete guess, if you have not subscribed the channel, then click on subscribe, press the bell icon to get upcoming notifications. You will also find the model papers in the description link, which you can see there. So let's start. So first, it is the leachate layers principle and its application, very much important. Isme aapko complete dekhna hai, effect of concentration, temperature, pressure, addition of catalyst and inert gas. Similarly, theories of acids and base, Arrhenius concept, Bronsted, Lowry concept and Lewis concept. Yahan pe aap amphoteric species bhi yaad rakhenge na, inke limitations. pH पे न्यूमेरिकल पूछी जाते हैं, आपको pH आना चाहिए, निकालना. सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट, इनके एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है. सॉलिबिलिटी आपको आना चाहिए निकालना, स्पेरिंगली सॉलिबल सॉल्ट की. आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आप सिस्ट्रॉनस आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे अल्किन्स की, एंड कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन. रिजोनेंस इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. नेक्स्ट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. इसमें आप कार्बोकेटन, कार्बेनियन, फ्री रेडिकल्स, इनके स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी एंड अरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटन वो भी देख लेंगे. प्यूरिफिकेशन मेथड्स में डिस्टिलेशन इंपॉर्टेंट है. सिंपल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. इनमें एग्जांपल्स याद रखेंगे किस में कौन सी टेक्निक हम यूज़ करेंगे सेपरेट करने के लिए या प्यूरिफिकेशन के लिए. सिमिलरली डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनको कैसे डिटेक्ट किया जाता है. नाइट्रोजन है ना, बाय लेसेग्नीज टेस्ट. सल्फर, हैलोजन, इनके लिए भी लेसेग्नीज टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली डिटेक्शन ऑफ फॉस्फोर्स. सिमिलरली एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय डुमास एंड जल्दल्स मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. इस पर न्यूमेरिकल पूछी जाएगी. प्रेपरेशन ऑफ अल्किन्स इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्किन्स है ना. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रिएक्शंस आ जाएंगे, जैसे सेट्सेफ्स रूल, जिसको हम जेट्सेव्स रूल भी कहते हैं. बिरिच रिडक्शन है ना, कॉलबिज इलेक्ट्रोलिसिस, मॉर्कोनिकोस रूल, एम के रूल है ना, एंड एंटी मॉर्कोनिकोस रूल, दैट इज द परोक्साइड इफेक्ट. ओजोनोलिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन है ना. ओजोनोलिसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. नेक्स्ट इज द एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसका एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन्स, अल्काइन्स आर एसिडिक राइट. सिमिलरली एरोमेटिसिटी, हकल्स रूल इंपॉर्टेंट रहेगा. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, इसमें सभी वो आ जाएंगे, जैसे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन. फ्रिडलक्राफ्ट्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना, तो ये आना चाहिए. ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स भी यहाँ पे याद रखेंगे. मोल कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल आ सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, लिमिटिंग रिएजेंट, ये ऐसे पढ़ना है, इन पे न्यूमेरिकल आना चाहिए करना सॉल्व, क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. डी ब्रोगली रिलेशनशिप एंड हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए. क्वांटम नंबर्स एंड इट्स टाइप्स राइट. क्वांटम नंबर्स क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. नेक्स्ट जो है, दैट इज द अबाउज प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हैंड्स रूल. इनसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, पर्टिकुलरली क्रोमियम और कॉपर का, विच शोज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ना, डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए. आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, और उसके बाद वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वैलेंसी, ये कैसे वेरी होते हैं पीरियड और ग्रुप के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टाइप्स, विस्पर थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अप्लाई करना आना चाहिए. सिमिलरली एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसकी एप्लीकेशन, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना. नेक्स्ट इज द गेस लॉज. तो गेस लॉज में बॉयलज ला, चार्लस, गेलिसेक्स ला, इन पे न्यूमेरिकल पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. तो आइडियल गैस इक्वेशन, इस पे भी न्यूमेरिकल. क्रिटिकल टेम्परेचर, सिमिलरली इसमें बॉयलज टेम्परेचर भी आप याद रखेंगे. सरफेस टेंशन है ना, विस्कोसिटी, इनका यूनिट. लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में आप सभी याद रखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ला. इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, हेसेस ला, इट्स एप्लीकेशन, इस पे न्यूमेरिकल है ना. एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी भी इसमें आप देखेंगे.
So next is preparation property and structure of water and hydrogen peroxide. Inki structure important rahegi. Anomalous behavior of lithium, beryllium, boron and carbon. Bas isme ek hi baar aapko yaad rakhna hai ki why they show anomalous behavior. Iska reason kya hai? Fir proper dikha denge kaise ye anomalous behavior dikhate hain. Preparation properties of some important compounds like sodium carbonate hai na, sodium chloride, sodium hydroxide, jaise isme Solvay process hai na. Preparation properties and structure of these important compounds. Boric acid, dibor and borax. Bahut hi zyada important hai. Inki structure aur properties puchi jati hai. Oxidation number aap yaad rakhenge. Stock notation hai na. Jaise nickel second sulfate. Isko kaise likhenge? Disproportionation reaction. Ispe objective pucha jata hai. Bahut hi important rahega. To next isme aap dekhenge. Oxidation. Haan, number ye to aa gaya. Ozone layer depletion. How ozone layer gets depleted है ना greenhouse effect greenhouse gases ये आप देख लेंगे और थोड़ा सा आप pollution भी देखेंगे atmospheric pollution so thank you for watching